हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज हमारी सारी समस्या दूर हो गई पुराने स्टॉक के क्रेडिट को लेकर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट हो सकता है कि जल्दी से जल्दी GSTR 3B में ही आपके पुराने स्टॉक का जो क्रेडिट है उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय लगाएगी कि आप GSTR 3B में ही पुराने स्टॉक का क्रेडिट ले सकें। मतलब जो हमारा ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो GSTR 3B में ही ले सके। पहले से क्या नोटिफिकेशन था हमारे पास कि आपको GSTR 3B में पुराने स्टॉक का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब जो 30 जून 2017 तक का जो हमारा क्रेडिट था वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से Tran-1 फॉर्म फाइल करना होगा और सबमिट करना होगा, फिर नॉर्मल रिटर्न्स में आप इसका क्रेडिट ले सकते थे। लेकिन देखिए, आज अभी का ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा CBSE का ट्विटर हैंडल पे आया है कि प्लीज़ रेफर टू द क्लेरिफिकेशन इशू टूडे। आज हुआ ये 5 घंटे पहले, मतलब कि 17 तारीख को, 17 अगस्त को, ये 7:55, देखिए 17th को 7:55 आया हुआ है। रिगार्डिंग कंसर्न्स अबाउट द फॉर्म फॉर क्लेमिंग ट्रांजिशनल ITC, मतलब ये क्लेरिफिकेशन है ट्रांजिशनल ITC क्लेम करने के रिगार्डिंग। देखिए अब इस क्लेरिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या बताया है। एज पर रूल्स द गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017 हैज टू बी पेड बाई 20 अगस्त 2017। मतलब नियम के अनुसार जो अपना जुलाई का टैक्स है वो 20 अगस्त तक पे होना है, ठीक है। ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फुल GST रिटर्न इन समरी फॉर्म 3B कैन बी फाइल्ड। मतलब कि पूरी पेमेंट के बाद जो आप है जुलाई का समरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। अब ये है, कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द फॉर्म फॉर क्लेमिंग ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट बीइंग अवेलेबल ऑन द GSTN वेबसाइट। मतलब कि मुद्दे उठाए गए हैं कि भाई GSTR 3B में जो है ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं, दिस फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द GSTN वेबसाइट फ्रॉम 20 अगस्त 2017। देखिए तो इससे ये क्लियर हो गया कि अपना जो Tran-1 फॉर्म है वो 21 अगस्त 2017 से अवेलेबल हो जाएगा। कौन सा फॉर्म? Tran-1 फॉर्म। Tran-1 फॉर्म क्या है? इसमें आप अपना जो ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब कि 30 जून 2017 तक के पुराने स्टॉक का जो भी क्रेडिट है उसके डिटेल्स इसमें आप फाइल कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इन व्यू ऑफ दिस अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज बीइंग गिवन टू ऑल द टैक्स पेयर्स, ठीक है। मतलब सारे टैक्स पेयर को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। फॉर दोज टैक्स पेयर्स हु डोंट वॉन्ट टू क्लेम एनी ट्रांजिशनल इनपुट क्रेडिट हैव टू नेसेसरली पे द टैक्स एंड फाइल रिटर्न्स इन फॉर्म 3B बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 20 अगस्त 2017। मतलब वैसे लोग जो ट्रांजिशनल इनपुट का क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते, ठीक है, तो दो टाइप के लोग होंगे, एक तो जिनका क्रेडिट है नहीं और दूसरे जिनका छोटा मोटा होगा नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को 20 अगस्त तक ही रिटर्न फाइल कर देना है GSTR 3B जो है। देखिए आगे देखते हैं, द टैक्स पेयर्स हु वॉन्ट टू अवेल द ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड ऑल्सो कैलकुलेट दियर टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट एज पर फॉर्म Tran-1। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि वैसे लोग जो ट्रांजिशनल ITC क्लेम करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, मतलब कि अनुमान लगाएंगे कि Tran-1 में वो कितना ITC क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दे हैव टू मेक फुल सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट बिफोर 20 अगस्त 2017। देखिए जो ट्रांजिशनल ITC को अवेल करना चाहते हैं उनको भी जो पेमेंट करनी है वो 20 अगस्त 2017 तक ही करनी है। पेमेंट जो करनी है, अब ध्यान दीजिएगा, पेमेंट की डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है, पेमेंट जो है 20 अगस्त 2017 तक कर देनी है। However, in such cases, they will get time up to 20 अगस्त 2017 to submit form Tran-1 and form 3B, ठीक है। पेमेंट तो उन्होंने भी कर देनी है 20 अगस्त 2017 तक ही,
लेकिन जो फॉर्म उन्हें फिल करना है जीएसटीआर 3B और ट्रान 1 या फिर ये ट्रांस 1 जो है, ये इसके लिए डेट आगे बढ़ा दिया गया है। आप 28 अगस्त 2017 तक अपना जीएसटीआर 3B और ट्रांस 1 फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हैं, केवल वैसे लोग जो ट्रांजिशनल क्रेडिट को एवेल करना चाहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन द अमाउंट ऑलरेडी पेड, द अमाउंट पेएबल ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म 3B, द सेम विल हैव टू बी पेड विथ इंटरेस्ट एट द रेट 18% फॉर द पीरियड बिटवीन 21 अगस्त 2017 टिल द पेमेंट ऑफ सच डिफरेंट अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने ट्रान 1 में अनुमान लगाया कि आपको इतना अमाउंट जो है इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, और आपने जो है जीएसटीआर 3B में डिटेल्स फीड कर दी। इसके बावजूद भी अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है, मतलब इसके बावजूद भी अगर आपने कुछ कम टैक्स जमा कराया, तो क्या होगा फिर? फिर आपको जितना कम टैक्स आपने जमा कराया है उस पर 18% का इंटरेस्ट लगेगा। ये 18% पर एनम है, ठीक है। कितने दिनों के लिए लगेगा? 21 अगस्त के बाद से उतने दिनों के लिए जिस दिन तक आप उस अमाउंट को जमा नहीं करा देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब क्लियरली क्या बातें इससे हमें समझ आती है कि देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों का कोई ट्रांजिशनल ITC नहीं है, उन्हें 20 अगस्त तक अपना टैक्स का पेमेंट भी कर देना है और GSTR 3B भी फाइल कर देना है। और वैसे लोग जो ट्रांजिशनल ITC अवेल करना चाहते हैं, मतलब कि 30 जून तक का जो स्टॉक है उसका क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रांस 1 फॉर्म भरना है, साथ साथ GSTR 3B भी भरना है। लेकिन कब तक? 28 अगस्त तक, बट पेमेंट उन्हें भी 20 अगस्त तक ही कर देनी है। और ये जो ट्रांस 1 फॉर्म है ये 21 अगस्त से अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी राहत मिली होगी अपने ट्रांजिशनल इनपुट को लेके, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को शेयर भी कीजिए। और एक और बात कि ट्रांस 1 फॉर्म जो है कैसे फाइल करना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 से 2 दिन के अंदर इस पर वीडियो बना दूँ। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।